So hello everyone, Furqan Amin Muthiwala here this side. Being a business consultant and being a business coach, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही amazing सा topic लेके आया हूँ. And जो topic है, उसका नाम है What is the purpose of our life? अब हो सकता है friends, आप लोगों ने अपने school time में, college time में, ये काफी कबार ये सवाल अपने आप से पूछा हो. But हो सकता है आपको इसका जवाब ना मिल पाया हो. Even आपने कुछ brainstorming भी की होगी, but आपको exact समझ नहीं आ रहा होगा कि exactly हमारी life का purpose है क्या आखिर. तो आपको इस वीडियो के थ्रू बखूबी समझ आने वाला है. तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं. देखो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ का जो पर्पस होना चाहिए वो है आपका 5 levels ऑफ लाइफ, जिन्हें हमें स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करना है. अब 5 स्तर जो है हमारी जिंदगी के, उसमें सबसे पहला स्तर है वो है सर्वाइवल लेवल. अब सर्वाइवल लेवल होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए हर ह्यूमन बींग की लाइफ में उसे रोटी, कपड़ा, मकान यानी फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, इवन मेडिसिन, इन सभी की जरूरत पड़ती है. इन सभी में हमारा कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होता है. अब जाहिर सी बात है, अगर मनी इन्वॉल्व होता है तो हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, काम करने में, जिससे हम उन मनी को अर्न कर सकें और हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकें. बट होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग 90% पीपल इसी कैटेगरी में अपनी ज़िंदगी जीते हैं और इसी कैटेगरी में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं. पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है. आगे के लेवल्स उन्हें पता ही नहीं होते. बट इस वीडियो से आपको आगे के लेवल्स भी बखूबी एक्सप्लोर करने को मिलेंगे. तो जो ये लेवल है वो है सर्वाइवल लेवल, जिसमें आपकी नीड जो भी है, आपकी ज़रूरतें वो आपकी पूरी हो रही है. अब जैसे कि एग्जांपल देखें, एनिमल्स भी सर्वाइव तो करते हैं, बट एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क है हमारे पास ब्रेन दिया हुआ है गॉड ने, और उस ब्रेन से हम ना ही सिर्फ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं कि वो भी कुछ अच्छा कर पाए. तो पहला लेवल आता है आपका सर्वाइवल लेवल. फिर दूसरा लेवल आता है लाइफ का, वो है आपका सिक्योर्ड लेवल. अब आपने काफ़ी बार फ्रेंड्स सुना होगा अपने सराउंडिंग्स में कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब हमें चूज़ कर लेनी चाहिए, हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, जिससे एक बार हमें जॉब लग जाती है, चाहे बैंक में हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में हो, किसी में भी, तो हमारी लाइफ सिक्योर हो जाती है. बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या वाकई में हमारी लाइफ सिक्योर होती भी है या नहीं उसके बाद भी. तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो लेवल आता है सर्वाइवल लेवल. अब उससे बाहर निकलने के लिए आपकी मॉनेटरी टर्म्स में जो इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑन एन एवरेज 4 लाख रुपीज़ एंड अबाव. जब तक आपकी इनकम नहीं होती तब तक आप अपने आप को कंसिडर करें एज अ सर्वाइवल लेवल में. अब जिस दिन आपकी इनकम 4 लाख रुपीज़ एंड अबाव क्रॉस हो जाती है एवरी मंथ, उसके बाद आता है सेकेंड सिक्योर्ड लेवल, जिसमें सिक्योर्ड लेवल में होता क्या है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई अनसर्टेनिटी आ गई, या हो सकता है जैसे अभी इन दिनों कोविड सिचुएशन आई थी, इसी तरीके से हो सकता है कि आज से 5 साल बाद ऐसी ही कोई सिचुएशन आ जाए कोविड की तरह और पूरा लॉकडाउन हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकें. तो उसके लिए फ्रेंड्स होना क्या चाहिए कि पहला तो आ गया सर्वाइवल लेवल, जिसमें आपकी इनकम 4 लाख रुपीज़ एंड अबव हो गई, तो आप पहले लेवल से निकल कर दूसरे लेवल में आ गए. अब दूसरे लेवल को क्वालिफाई कैसे करें, उसका क्राइटेरिया क्या है कि जितनी आपकी इनकम है इनटू 6 टाइम्स, यानी मान ली ऑन एन एवरेज अगर आपकी 4 लाख रुपीज़ एंड अबव इनकम जिस दिन हो जाती है उस दिन से लेके इनटू 6 टाइम्स इक्वल्स टू यानी 24 लाख रुपीज़. अब 24 लाख रुपीज़ फ्रेंड्स हमारे अकाउंट में होने चाहिए, और वो भी कैश फ्लो लिक्विड के रूप में, जिसे हम कभी भी निकाल सकें, कभी भी यूटिलाइज कर सकें. जब तक आपके पास फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें नहीं आती तब तक आप अपने आप को सिक्योर नहीं कह सकते. एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, इसी में एक दूसरा केस है. एक एग्जांपल, अगर कोई चार्टर अकाउंटेंट है या कोई टेक्निकल पर्सन है जिसकी ऑन एन एवरेज इनकम 4.5 लाख रुपए है और वो जॉब कर रहा है सपोज एग्जांपल, तो क्या हम उस सिचुएशन में उसे सिक्योर मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे. अब उसका रीज़न क्या है, देखिए फ्रेंड्स, जॉब जो होती है ना वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, कभी भी आपको निकाल सकते हैं रिसेशन के कारण, हो सकता है ले ऑफ के कारण, जैसे अभी इन दिनों कोविड सिचुएशन में हुआ था. तो उस सिचुएशन में उसकी अगर इनकम अगर ले ऑफ हो गई, उसकी इनकम डिक्रीज हो गई, तो वो वापस आ जाएगा सर्वाइवल लेवल में, तो हम उसे सिक्योर नहीं कहेंगे. तो अगर आप सिक्योर होना चाहते हैं तो अपने आप को इस कदर बनाएं कि आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकल कर दूसरे लेवल पर पहुँचें और दूसरे लेवल को भी क्रॉस कर पाएं. तो दूसरा लेवल हो गया एटलीस्ट 4 लाख रुपीज़ इंटू 6 टाइम्स इक्वल टू 24 लाख रुपीज़. अब थर्ड लेवल आता है वो है सक्सेस का लेवल. अब तीसरा जो लेवल होता है फ्रेंड्स, उसमें पॉपुलेशन होती कम है बट
वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, उनके कहीं ना कहीं चॉइसेस में डिफरेंसेस होते हैं, उनका जो सोचने का तरीका होता है, परसेप्शन, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब सक्सेस में क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल सा बात बताऊंगा आपको। इसके पहले की आपने वीडियो देखी होगी फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, और आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बखूबी उसकी वीडियो मिल जाएगी, होता क्या फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को अगर दो बातों में डिस्क्राइब करें फ्रेंड्स, तो होता है कि जो आप पाना चाहो वो आप पा सको, इसी तरीके से जो भी आप करना चाहो वो आप कर पाओ। यानी अगर आपका इस समय मूड है कि आप अपनी फैमिली के साथ चार दिनों के लिए एक फुजेरा के रिजॉर्ट में जाना चाहते हैं, या हो सकता है आपको कहीं मूवी पे जाना हो फ्रेंड्स के साथ, तो आप जा पाओ, आपके पास उतना टाइम हो। उसी तरीके से दूसरे नंबर में जब आप अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो आपको राइट साइड के मेन्यू में देखना ना पड़े और आप जो भी डिश अच्छी लगे वो आप मंगवा सको। तो ये दोनों ही सिचुएशन में आपके पास वेल्थ भी है, टाइम भी है उस वेल्थ को एंजॉय करने के लिए, तब आप कह सकते हैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री। और उसी के लिए वो आता है आपका थर्ड लेवल में, जिसे हम कहते हैं सक्सेस फेज। अब सक्सेस फेज में आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही है, यानी सर्वाइवल से भी आप बाहर निकले, सिक्योर्ड भी हो गया, और आपकी ख्वाहिशें जो भी है, आपके ड्रीम्स जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए वो भी पूरे हो रहे हैं, तो आप अपने आप को कह सकते हो कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। अब ये हुई तीसरा फेज लाइफ का, जो हमें पता होना चाहिए और हमें उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। अब चौथा लेवल आता है फ्रेंड्स, वो है सिग्निफिकेंस लेवल। अब होता क्या है फ्रेंड्स, कि ज़्यादातर लोग का ये माइंड में होता है कि हम अगर कामयाब हो गए तो डैट्स मोर देन सफिशिएंट। बट नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे वो अचीव करने में जो वो अचीव करना चाहते हैं, तो हमें वो मिल जाएगा जो हम अचीव करना चाहते हैं। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी ने ये बात रखी थी। और ये बात होती क्या है फ्रेंड्स, कि अब आप सक्सेसफुल तो हो गए, ठीक है, अब आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकल गए, जिसमें 4 लाख प्लस आपकी इनकम एवरी मंथ हो गई, सिक्योर्ड को भी आपने क्राइटेरिया को फॉलो कर लिया, जिसमें आप सिक्योर्ड लाइफ जी रहे हैं, आपके अकाउंट में ऑलरेडी 24 लाख रुपीज एंड अबव हैं, जिससे कोई भी सिचुएशन आ जाए आप इजीली ओवरकम कर लोगे, और थर्ड आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। अब चौथा लेवल फेज क्या आता है, सिग्निफिकेंस लेवल। इसका सिंपल सा मतलब होता है फ्रेंड्स, कि अब टाइम आ गया है कि हमें सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना है। नाउ इट्स टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी, एंड सोसाइटी के लिए वो करना मीन्स नेशन के लिए वो करना, यानी लोगों की हेल्प करनी, जिससे लोग भी एक आत्मनिर्भर जिंदगी जी सकें, यानी एक फाइनेंशियली फ्री जिंदगी जी सकें, जिससे उन्हें डेली बेसिस पे पैसों के चंगुल में फंसे रहने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो होती है सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ लाइफ। एंड मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि जिस दिन आप सिग्निफिकेंस लेवल पे आप पहुँच गए ना, उस दिन ना ही सिर्फ आप सक्सेसफुल होंगे, बट आप ग्रेटनेस का एक टैग हासिल कर लोगे लाइफ में। ग्रेटनेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें आप पॉपुलर भी हो गए, फेमस भी हो गए, और उसके साथ साथ लोग आपको पसंद भी करते हैं। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, उसने ना ही सिर्फ अपने लिए खेला, देश के लिए खेला, तो इसीलिए वो आज फेमस हो गया। इसी तरीके से शाहरुख खान, जो ऑलरेडी फेमस पर्सनैलिटी भी है, इसी तरीके से लोगों को भी वो इंस्पायर करते हैं, राइट। एंड फिफ्थ फेज आता है लाइफ का, और वो है आपका स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मटीरियलिस्टिक थिंग्स की, आउटर वर्ल्ड की बात नहीं करते, यहाँ पे हम इनर वर्ल्ड की बात करते हैं। हमारे अंदर जो है वो हम गॉड से कनेक्टेड हो। अभी आपने योगा का नाम सुना होगा फ्रेंड्स, योग में जो योग आता है उसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी जुड़ना, मिलाव होना, यानी आपकी आत्मा परमात्मा से जब मिलती है तो उसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। जिसमें मान ली एग्जाम्पल, अभी इमेजिन करिए फ्रेंड्स, आप अभी हो सकता है आप नमाज ऑफर कर रहे हो, या हो सकता है अभी आप चर्च में हो, या हो सकता है आप मंदिर में हो, और आप गॉड के साथ प्रे कर रहे हैं, ठीक है, गॉड के सामने आप प्रे कर रहे हैं। अब हो सकता है फ्रेंड्स, आप प्रे तो कर रहे हैं वहाँ पे, कॉन्शियसली तो आप वहाँ पे हाजिर हैं, लेकिन हो सकता है कि सबकॉन्शियसली आपके माइंड में प्रेशर चल रहा हो, जॉब का प्रेशर हो, अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयड आप बिजनेस कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं प्रेशर हो, तो वो आप जब बातें आप लेके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं होते गॉड से। और गॉड से कनेक्टेड होने के लिए कहीं ना कहीं आपको पहले फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, जिससे आप पैसों के लिए काम आपको ना करना पड़े और आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो सके, जिसमें फ्रेंड्स आपको जिंदगी जीने के एक्चुअल मायने पता लग सके कि ह्यूमन लाइफ आपको मिली है तो उसकी क्या महत्व है। तो वो होता है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से होप्स ऑफ क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास हमारी जिंदगी में 5 फेजेस होते हैं लाइफ के। पहला लेवल होता है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ फ्रेंड्स,
पहला लेवल होता है सर्वाइवल लेवल, जिसमें आपकी नीड्स यानी रोटी कपड़ा मकान और आपकी मेडिसिन, ये सारी चीज़ें कवर हो। तो उसके लिए इवन आपके जो बच्चों के एजुकेशन है, आपके जो ड्यूटीज़ हैं आपके पेरेंट्स के प्रति, तो ये सारी मिला करके कम से कम आपकी 4 लाख रुपीज़ एंड अबव अर्निंग्स होनी चाहिए, तब आप सर्वाइवल लेवल से बाहर निकल कर सेकेंड लेवल में पहुँच सकते हैं। सेकेंड लेवल है सिक्योर्ड फेज, जिसमें कभी भी कोई भी अनसर्टेनिटी आए तो आप उसे मीट आउट कर सकें। उसके लिए कम से कम आपके अकाउंट में 4 लाख × 6 इक्वल टू 24 लाख रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए लिक्विड कैश, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सको एमरजेंसी में। तीसरा लेवल आता है फ्रेंड्स, वो है सक्सेस का लेवल। अब सक्सेस का लेवल क्या होता है फ्रेंड्स, कि जिसमें आप कामयाब हो गए, फाइनेंशियली फ्री हो गए। फोर्थ लेवल आता है आपका सिग्निफिकेंस लेवल, जिसमें आप सोसाइटी के लिए करते हो। एंड फिफ्थ लेवल आता है फ्रेंड्स आपका, जिसमें स्पिरिचुअलिटी, जिसमें आप कनेक्टेड होते हो डायरेक्टली गॉड से। सो होप सो आपको पूरी वीडियो में आपको आपके एक क्लियर हुआ होगा विजन कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या होना चाहिए और क्या था। तो फ्रेंड्स आपको इस पूरी एंटायर वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड आपको प्यार देने के लिए आप लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियोस बिजनेस रिलेटेड आपका इंतजार कर रही है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।